हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट साइकोलॉजी पास्ट पेपर। ये मेरा फर्स्ट ईयर का पास्ट पेपर है जो मुझे मिल गया था। मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना ली जाए, और इससे पहले जो वीडियो है वो सेकंड ईयर के पास्ट पेपर पे है। सो मैं इन क्वेश्चंस को रीड आउट करूँगी, आप इसको नोट कर लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफाइन साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड। व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल मेथड। Write 6 steps of planning and conducting a survey method. Define synapse. Define optochiasm. Give definition of illusion. Define goals or aims of psychology. What is sensation? Define fluctuation of attention. Write about nerve impulse. Name the layers of eye. Define variables. What is perceptual constancy? Define nerve impulse. ये सब जो थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। इसके नज़र सिर्फ हमने 10 करने थे, बाकी जो है वो चॉइस में छोड़ने थे। आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसमें सिर्फ 3 करने हैं, लेकिन यहाँ पे दिए गए 5 हैं। नंबर 1, briefly explain the application of psychology in different fields. ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनी टू फील्ड्स। फिर उसके बाद है डिफाइन सर्वे मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। बस यहीं पे ये ख़त्म होता है। इसके अलावा मैंने जो मेरे पास पास पेपर की बुक थी वो मुझे नहीं मिली, सिर्फ यही मुझे जो है वो मिल गया, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल।